नमस्कार दोस्तों, कलकत्ता की इस जाती हुई सर्दी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रबल आपका दोस्त आपके साथ है। मैं अपने काम के क्षेत्र में ही आज पूरा दिन इधर था और काम कर ही रहा था, तो अचानक से एक ट्रक के बगल से गुजरते हुए मुझे एक चीज़ दिखा। मैं आप लोगों से भी वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये है वो चीज़ जो मुझे दिखा इधर से जाते हुए। तो मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरानी, मैं नहीं बोलूँगा, बहुत प्रश्न था कि 26 जनवरी में उधर पे जो भी हुआ अपने दिल्ली में, उसके बारे में बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता, बहुत सारे आंदोलनकारी, बहुत बहुत सारे बात हम लोग सुनने में आए हैं हमारे कानों में। सॉरी फॉर माई हिंदी, इट्स नॉट वेरी गुड। तो सुनने में आए हैं, तो अभी थोड़ा जानना था कि वहाँ पे असल में हुआ क्या है। ये बहुत गंभीर मामला है दोस्तों, कि जो हमें खाना देते हैं, जो जिनके बिना हम खा ही नहीं पाएंगे, किसान मजदूर जिनके बिना हम चल ही नहीं पाएंगे, जूता से लेके कपड़ा से लेके हर एक वो छोटी चीज़ जो बनाते हैं, वो किसान और मजदूर जब लाखों के करोड़ों के तादाद में रास्ते पर आ जाए, वही सरकार से कुछ पूछने मांगने और बात करने के लिए, जिनको हम सब ने चुना है और उसके बदले में उनको कुछ अलग ही मिले, उत्तर के सिवा कुछ अलग ही मिले, तो हमें बहुत कुछ सोचने का ज़रूरत पड़ जाता है उस माहौल में। और वही एक चलता हुआ माहौल में, जैसे कि हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था कि मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन अंग्रेज़ों के ज़माने में और उसके बाद भी थोड़ा बहुत, आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें देखने को भी कुछ मिल रहा है। पर जानना यह है, देखना यह है कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ सुनने में आ रहा है। अभी फिलहाल मैं आज के टॉपिक में इतना बात करने का कोशिश करता हूँ कि 26 जनवरी में वहाँ पे क्या हुआ था, ये निकालना शायद काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया और बहुत सारे बातें कर रहे हैं। थोड़ा ये जो ट्रक है जो कलकत्ता में आज एक प्लांट के अंदर मुझे दिखा, जो स्टिकर लगा हुआ था जय किसान जय मजदूर एकता जिंदाबाद का, एक बार उनसे बात करके पूछते हैं कि आपका क्या मानना है। ये पंजाब का ही एक ट्रक है, ही इज़ फ्रॉम पंजाब। तो एक बार उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि उनका क्या कहना है और उनका क्या देखना है, क्या चश्मदीद है कि 26 जनवरी को वहाँ पे हुआ क्या था। आपका नाम बताइएगा। जसविंदर जी, हमें थोड़ा ये जानना है कि भारत में, पूरे देश में ये जो एक आंदोलन अभी छेड़ा गया है, जैसे कि हम लोग इतिहास में पढ़े थे मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, तो अभी अभी अचानक ये आंदोलन, देश तो जैसे कि स्वाधीनता प्राप्त हो गया, अभी अंग्रेज भी नहीं है, तो किसान लोगों को पूरा रास्ते में आकर अपने चुने हुए सरकार से पूछने के लिए इतना क्यों शिद्दत से, इतना क्यों एफर्ट उठाना पड़ रहा है, और 26 जनवरी को क्या हुआ था, ये दो चीज़ थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। सर, 26 जनवरी को पहले किसानों ने कॉल दिया था कि हम परेड निकालेंगे, तो दिल्ली पुलिस ने उसका परमिशन दिया और उसका बाया रोड भी दिया, लेकिन जो रोड पुलिस ने दिया था उसमें बैरिकेड भारी कर दिया था, जो दिल्ली को रास्ता जाता था उसमें बैरिकेड हल्का कर दिया था, क्योंकि किसान आएंगे हल्का बैरिकेड हटा के अंदर घुस जाएंगे। ये तो सरकार की सोची समझी चाल थी, और जो कुछ उनके मिले हुए आदमी थे, किसान ने भड़क रहे थे, कुछ वहाँ डॉक्टरों के कैंप थे और डॉक्टर बोले कि हम कैंप में बैठे थे कि उधर से 10-15 आदमी भाग के आए और हमको बोलते किसानों को वहाँ काट लिया गया, ऐसे हो गया, पुलिस से झड़प हो गया, तो हम उनका सच नहीं माना। तो फिर 15-20 आदमी फिर मिल के आए, तो हमको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी, हम जाके देखें, लेकिन उनके बहकावे में आके किसानों को उल्टा ये लोग रास्ता पर लेके गए। तो वहाँ किसी का सम्मान है, तिरंगे को किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो अभी भी बीच में ही है। मीडिया ने गलत प्रचार किया, जो गोदी मीडिया है वो पूरा गलत प्रचार कर रहा है। अभी भी देखिए जाके पंजाब हरियाणा में पूरा नेट बंद कर रखा है, क्योंकि जो हमारे गोदी मीडिया वाले चैनल वाले हैं वो हमारा झूठ वहाँ पर नेशनल चैनल पर दिखाते जाए, क्योंकि जो वहाँ पे नेट है, नेट बंद होने की वजह से दूसरा इधर उधर कोई जानकारी ना जाने पाए, अभी तक नेट बंद है। तो इनका जो आरोप है, इनका जो कहना है काफ़ी गंभीर है, कि कुछ लोग जो किसान नहीं है वो इनके झुंड में शामिल हुए, किसान का जो मोर्चा उधर पूरा उधर खड़ा हुआ है, उधर पे जो है वो पहले से सिद्धांत लिया हुआ था कि 26 जनवरी पे कहाँ पे कैसे जाना है, पुलिस के साथ बातचीत, प्रशासन के साथ बातचीत होके, अचानक से अगर कुछ लोग किसान बन के वैसा भेस लेके आते हैं और बोलते हैं कि उधर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उधर बहुत दिक्कत हो रही है, हमको इधर से जाना है, तो वो हमारी देश की सीधी साधी किसान तो उसी रास्ते पे उनके साथ चलते हैं जहाँ पे परमिशन नहीं रहती है और पुलिस बाकायदा उन पे अटैक करती है, जो लीगलाइज हो जाते, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर अपने आप को तोड़वा रही है उनके ही एक ट्रिक से। और बाद में लॉ एंड ऑर्डर क्यों टूटा गया है,
उसके आरोप में आपको लॉ एंड ऑर्डर ही कंट्रोल कर रही है। तो ये एक पता नहीं सोची समझी या बहुत ही सुंदर सुनहरी एक प्रयास है। ये प्रयास कितना दूर तक आग को दमा पाएगी या किसानों का जो प्रश्न है वो कितना दूर तक अमूलक है, कितना दूर तक बेसलेस है, मुझे नहीं पता। लाखों के हजारों के तादाद में किसान भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। इतने इतने खालिस्तानी पाकिस्तानी बांग्लादेशी टेररिस्ट आके भारत में लाखों के तादाद में एक आंदोलन कर रहे हैं। हमें नहीं पता ये कितना लॉजिकल है, पर फिलहाल हमें ये देखना है और ये जानना है कि जैसे कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि आम जनता अपने आप से कोई खबर न शेयर कर पाए। मैंने अभी अभी कल परसों का एक वीडियो में देखा कि जब कुछ बुजुर्ग औरत किसान में से वो खड़े हो गए, ट्रैक्टर के नीचे सो गए कि हम जाने नहीं देंगे, पानी का कमान उनके ऊपर से कमान चला दिया गया, ऐसा वीडियो हमने देखा है। तो ये सब वीडियो आना बंद हो गया है, कौन कहाँ पे इसको को गोली मार रहा है, कौन कहाँ किसको लाठी चार्ज कर रहा है, किसके ऊपर गाड़ी चढ़ रहा है, ये कोई खबर हम तक ना आए इसके लिए वहाँ पे इंटरनेट और ऑल ये जो परिसेवा है ये सब बंद कर दिया गया है। देखना ये है दोस्तों कि अपना कितना जोर कितना बाजुए कातिल में है और हम कितना हद तक किस हद तक आगे जा सकते हैं। ये किसानों का देश है, मजदूरों का देश है और ये देश को कभी ये लोग हारने नहीं दिए हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू। उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीकर दान किसान चक्रव्यूह में अभिमन्यु आंकड़ा उपलब्ध नहीं बंधु। आत्महत्या की रिपोर्ट प्रकाशित 2016 से गायब तूरज शाक सूर्य किसका मजबूरन आंदोलन का रास्ता सड़कों पे अतरना पड़ रहा आक्रोश पनपती हर दिशा बढ़ती लागत तेजी से फसलों की प्राइवेट कंपनियों की महंगी बीजे महंगी पेस्टिसाइड 51 प्रतिबंधित को इजाजत पेस्टिफाई बीमारियों की लागत कर्जा जाल एकायामा छत्तीसगढ़ से कर्नाटक बिहार हरियाणा एमपी महाराष्ट्र दूध प्याज टमाटर फेंके फिर भी क्यों नहीं आती खबरें न्यूज में। मैं आश्चर्यचकित हूँ ज्योति डोरेटा सुने क्यों ना आशे आवाज तुम्हारी खो जाए आवाज के बहरी सो जाए तो सुने क्यों ना आशे Shoot it, kill it.